एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। बिहार सरकार ने छठ पर्व पर अपने कर्मियों को दिया है एक बड़ा तोहफा। बिहार के लाखों कर्मियों सहित बिहार के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को अब 28% डीए के स्थान पर मिलेगा 31% डीए। कब से मिलेगा लाभ और आपका वेतन कितना बनेगा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन अवश्य दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। बिहार सरकार के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है जिसका आपको पत्रांक है 75/30 और दिनांक है 9/11/2021। इसमें विषय दिया गया है पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से 28% डीए के स्थान पर 31% महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। भारत सरकार वित्त विभाग मंत्रालय व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापांक आपको 1/1/2020 E/7/2021 के आलोक में वित्त विभाग संकल्प संख्या 54/22 दिनांक 19/8/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से 21% की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की थी। अब भारत सरकार वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापांक संख्या 1/4/2021 दिनांक 25/10/2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करने वाले केंद्रीय कर्मियों को दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दर से 28% से बढ़ाकर 31% की स्वीकृति किया गया है। राज्य सरकार भी अपने कर्मियों पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता राहत की स्वीकृति केंद्र सरकार के अनुरूप उसी दर एवं उसी तिथि से करती रही है। उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने समन्वयक विचारोपरांत निर्णय लिया पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 1/7/2021 के प्रभाव से 28% के स्थान पर 31% महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को अब 28% के स्थान पर 31% का डीए का लाभ मिलेगा। जुलाई 2021 से डीए 28% के स्थान पर 31% के स्वीकृति के संबंध में इसका पत्र जारी हो चुका है। इसका लाभ नवंबर के वेतन के साथ दिया जाएगा और जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर का बढ़ा हुआ दर जोड़कर नवंबर के बाद दिया जाएगा। अब आप सभी नियोजित शिक्षक जानने के उत्सुक होंगे कि आखिर 28% से 31% जब डीए हो जाएगा तो मेरा कुल वेतन कितना होगा। तो इससे संबंधित मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने चैनल ऑलरेडी पहले से है, उस वीडियो को आप देखकर जान सकते हैं कि आपका आखिर कुल वेतन कितना होगा। और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पर भी दे दूंगा, वहां से आप देखकर जान सकते हैं कि आखिर आपका 31% डीए पर कुल वेतन कितना होगा। या मैं फिर से पुनः उसका एक वीडियो बना दूंगा कि 31% डीए पर नियोजित शिक्षकों का कुल वेतन कितना होगा। वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।